सरहद पार से एक बार फिर बड़ी हलचल हुई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने फौरन उस हलचल का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही देर बाद पाकिस्तान की सेना की सबसे बड़ी आतंकी साजिश सामने आ गई। आतंकी हमलों के लिए घुसपैठ से पहले कुछ ऐसी चीजें भेजी गई जो 15 अगस्त के मौके पर खून बहाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। देखिए बाजवा की सेना की साइलेंट साजिश। जम्मू में सरहद पर सुरक्षा बलों की ये हलचल पाकिस्तान की आतंकी साजिशों की गवाही दे रही है। आजादी के जश्न में आतंकी साजिश घोलने की पाकिस्तानी कोशिश एक बार फिर नाकाम कर दी गई। जम्मू के सांबा सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियों को कुछ संदिग्ध गतिविधियों का पता चला, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ देर तक तलाशी अभियान के बाद जो कुछ सामने आया उसने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों के सबूत सामने ला दिए। सुरक्षा बलों के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन जैसा कुछ देखा गया। कुछ देर बाद संदिग्ध गतिविधि वाली जगह पर हथियार मिले, 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 1 पिस्टल साइलेंसर बरामद किया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर हथियार गिराए गए थे। सारे हथियार एक बैग में भरकर बॉर्डर पार से भेजे गए थे। सुबह 6:30 बजे के करीब जो पार्टी सर्च कर रही थी उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कॉर्नर कर लिया गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्म की खेप मिली है जी। इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है। पुलिस के मुताबिक इन सारे हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेट के लिए हो सकता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस इलाके में पहले भी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कई कोशिशें हुई जिन्हें एनकाउंटर के जरिए नाकाम कर दिया गया। कई आतंकी इस इलाके में घुसपैठ करते हुए मारे जा चुके हैं। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सांबा सेक्टर के बब्बरनाला इलाके में पाकिस्तान ने जो हथियारों के पैकेट भेजे थे वो आतंकियों तक पहुंचाए जाने थे, लेकिन सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन ने पाकिस्तान की उस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया जो 15 अगस्त के ऊपर एक बड़ी प्लानिंग के तहत इन हथियारों को भेजा गया था। सांबा का जो बब्बरनाला इलाका जहाँ से पाकिस्तानी हथियार मिले थे, सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इस इलाके में अक्सर घुसपैठ की कोशिश होती है और आतंकियों को भेजने से पहले हथियार भेजे गए थे ताकि अगर घुसपैठ सफल हो जाए और आतंकियों को तुरंत हथियार मिल जाए। माना जा रहा है कि सरहद पार से जो हथियार भेजने की साजिश ड्रोन के जरिए रची गई थी। सांबा के अलावा जम्मू के मेंडर में भी LOC के पास पुलिस को रेडियो सेट, टॉर्च, चार्जर और डेटा केबल बरामद हुए हैं। यहाँ भी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये चीजें बॉर्डर एरिया के पास पाई गई। यानी साफ है कि बॉर्डर के पास वाले गांव और खेतों में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान आतंकी साजिशें रच रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। जम्मू में पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए लगातार आतंकी साजिशें कर रहा है। वो हथियारों की खेप सरहद के उस पार से इस पार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि आतंकियों के जरिए बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। दरअसल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती की वजह से घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो रही है, इसलिए पाकिस्तान की सेना ड्रोन के जरिए हथियार भेज रही है ताकि वो आतंकियों तक पहुंचाए जा सके। लेकिन भारत के जवानों की पैनी नजरों से बच पाना नामुमकिन है।